तो कैसा रहा यात्रा का माहौल? यात्रा का माहौल कैसा रहा? यात्रा काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी मज़ा आया, पर जब हम नहाए तो उसके बाद जो थकान दूर हुई, सारी थकान दूर होगी। हो गई ना थकान दूर, मज़ा आ गया। अब क्या प्लान है आगे का? अब हम सोच रहे हैं बस ये बनी हुई यात्रा देख के वापस निकलते हैं चतरकला के रास्ते। अभी ये पूरा नज़ारा पीछे कैलाश का दिख रहा है, तो ये अगर इसको एक फेरी देते हैं तो लगभग एक से डेढ़ घंटा लग जाता है इस पूरी तालाब को क्रॉस करने में। भद्रवा से? भद्रवा से कब आए थे? हम सुबह आए थे। कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छी आपकी। ये वो बंदे हैं जो गाड़ियों से आते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, वही पुराने रास्ते से नहीं आएंगे। अभी हमारे बंदों का प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया, तो अभी हम वापस चले जाएंगे यहाँ से। आज रात का जो रात को रहने का जो सिस्टम था वो हो गया कैंसिल। चढ़ाई कितनी है? चढ़ाई नहीं है, ये सीधा चढ़ाई खत्म हो गई है, क्योंकि दर्शन भी हो गए सब कुछ बहुत अच्छे से, मौसम भी अभी तक अच्छा था, तो अभी हम वापस चले जाएंगे यहाँ से। तो रात का जो डेरा डंगा था वो उठा के वापस। हमने इतनी अच्छी जगह इस शेड में बनाई थी, कहने की कोई बात नहीं, मज़ेदार। नीचे से फोम वाला क्या गद्दा बिछाया था, बट हमारे कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिनको वापस जाना है। हमें नहीं जाना भाई, ये प्राणी हमारे उतनी ये खुद जाना चाहता है। ये हमारा शेड था, तो अब इस शेड को हम करेंगे अलविदा। तो इसके बाद अगले साल अगर हुआ तो फिर से आएंगे। थोड़ी थी कोई नहीं आए, और हम जा रहे हैं अभी वापस। हमारा पैक हो गया यहाँ से सामान, तो अभी हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। थोड़ा अचानक ही ये फैसला लेना पड़ा हमें, तो हम जा रहे हैं अभी वापस यहाँ से। कोई भी आ सकता है यहाँ पे, रात को आराम से रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऊपर टेंट वगैरह लगा हुआ सब, तो आप आराम से यहाँ पे किसी टाइम पे आके यहाँ पे रात को रह सकते हो। तो ये यहाँ से देख सकते हो मंदिर का व्यू। और यहाँ पे कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले तो यहाँ पे पत्थरों पे सोना पड़ता था, बट अब शेड वगैरह बनाए हुए हैं लोगों ने। ये जो आपको पत्थर बड़े बड़े दिख रहे हैं, इन पत्थरों पे सोते थे लोग। हम जा रहे हैं वापस जय वासुकीनाग। तो ये आए थे हम पुराने रास्ते जहाँ से भद्रवा से यात्रा आती है, और हम जा रहे हैं छत्रकला के रास्ते। देखते हैं कुछ गाड़ी वाड़ी का जुगाड़ करते हैं। ये देखो भाई साहब, ये जो आपको पत्थर दिख रहे हैं आज तो थोड़े से काटे हुए हैं, पहले ये बड़े बड़े पत्थर होते थे, यहाँ पर ही लोग सोते थे। मैं भी 2-3 बार यहाँ पर सोया हूँ पत्थर पर। जय वासुकीनाग। और अभी हम वापस छतरकला की तरफ से जा रहे हैं, कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे यहाँ से। लगभग हमें 3-4 घंटे के बीच में लग जाएगा पहुंचने। तो ये पत्थर का काफ़ी पथरीला वाला रास्ता है ये वाला। ये हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से इतने ज़्यादा पत्थर नहीं थे, बट इस रास्ते से पत्थर ही पत्थर है। मेरे पीछे काफ़ी अच्छा मौसम है, बट अभी आगे से धुंध भी आ गई है दूसरी तरफ से। देखती है कि बादल लेके आई है या ऐसे ही फुर होके पार हो जाएगी। ये देखो भाई, इसको बोलते हैं स्टेमिना। इन बंदों ने ये चलाई है टंकी, 2000 कितने हज़ार की है। पाँच हज़ार लीटर की है ये, और इस रोड पे चला रहे हैं इसको। ये देखो जी, यहाँ से ये छत्रकला वाला रास्ता है।
अब ये छत्रगला वाली उतराई पे लग पड़े हैं हम, तो देखते हैं कितनी जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि हम फोटो वीडियो वगैरह भी बीच बीच में बना रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी टाइम लगता है हमें। तो अभी देखते हैं, क्योंकि बारिश के भी आसार लग रहे हैं अभी हमें यहाँ से। पीछे का व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ का। अभी पत्थर यहाँ पे दो पत्थर गिरा लिए बंदों ने, और एक बंदा भी मुश्किल से बचा है। ये अंकल मुश्किल से बचे, कोई मैं बोलता हूँ एक हाथ की गुंजाइश थी, बस ये इतनी गुंजाइश थी। यात्रियों ने काफी दौड़ लगाई हुई यहाँ नीचे, और कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं, कुछ ऊपर के लिए जा रहे हैं और कुछ नीचे के लिए जा रहे हैं हमारी तरह। वो बंदा पीछे है यार। अभी ये काफी डेंजरस रास्ता है यहाँ से, तो पाँव थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो मुड़ने के 100% चांसेस हैं, और उसके साथ पत्थर भी गिरने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। अभी दो पत्थर गिरे हैं, मुश्किल से बंदा एक बचा है। अभी हम पहुँच गए हैं छत्रकला के 50+ पॉइंट पे। यहाँ से जितना एरिया हमने अभी कवर किया इतना एरिया और है, बट थोड़ा सा सीधा है, उसके बाद थोड़ा सा ढलान है। ये तीन बंदे आ रहे हैं यहाँ से, थोड़ी ढीली चाल से चल रहे हैं ये। ये देखिए यहाँ की उतराई छत्रकला की, हाँ थोड़े थोड़े पॉइंट पे ये उतराई है, तो ये खत्म ही नहीं होती है। ये देखिए कितने पत्थर के पत्थर ही रास्ता है, चलना में बहुत मुश्किल है इन पत्थरों पे। बोलने के लिए तो डिस्टेंस काफ़ी थोड़ा है यहाँ का छत्रकला का, बट ये पत्थर जो बीच में आ जाते हैं ना, ये डिस्टेंस डबल ट्रिपल कर देते हैं। और अभी हमें यहाँ पे थोड़ी पत्थर का भी ये बर्फ़ अब नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पे पत्थर देखो, यहाँ पे पत्थर नहीं, ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ का है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे बर्फ़ है, उतनी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही। और नहीं यार आपको नहीं डाला मैंने। ओहो एक और है अभी चढ़ाई, और है ये थोड़ी सी और है चढ़ाई यहाँ से, मेरे ख्याल से लास्ट है। और बादल भी आ गए हैं छोटे छोटे, और अभी ये थोड़ा सिटी का नज़ारा दिख रहा है गांव वाली साइड। और यहाँ से हमें ये छत्रकला की रास्ता भी दिख रहा है, बस ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ पे दूसरे जैसे मोड़ पे आके हमें यहाँ पे गाड़ी देखते हैं कि कोई गाड़ी मिलती है या नहीं। अभी हम छत्रकला वाले रास्ते से आए हुए थे, तो यहाँ पे ये मोड़ इतने हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। नज़ारा काफ़ी अच्छा है, धूप भी खिली हुई है, बट जो मोड़ है, मोड़ के बाद मोड़, मोड़ के बाद मोड़, ये बहुत मोड़ है। अभी वहाँ पे दिख रहा है, मुझे लग रहा है छत्रकला वही है, देखते हैं अभी। तो ये भाई भी हमारे यार, दिखा लो वो बाद में कहीं याद रखो। ये हमारे भाई भदवा के हैं, तो बिल्कुल ये लोकल है वहाँ के, तो यात्रा के साथ आए हुए थे। तो दो भाई है हमारे और, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है साहिल शान, मैं इधर भदरो का लोकल हूँ। और जो भाई का चैनल, ये चैनल वगैरह देखते, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक वगैरह करो। शुक्रिया भाई। छत्रकला का आ गया, यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, तो है? आ जाओ उधर बैठते हैं, उधर जैसे खाना ले लेते हैं, देखते हैं क्या बना है। थोड़ा सा ऊपर आके आपको लंगर मिलता है, और उसके बाद सीधा कैलाश कुंड पे आपको मिलेगा लंगर, उससे पहले कोई भी लंगर नहीं मिलेगा। नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे, और ये पहाड़ियाँ ऊपर से दूसरी तरफ से बहुत ही सुंदर। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं कुछ ही टाइम में, और यहाँ के नज़ारे, ये आखिरी क्षण के नज़ारे हैं यहाँ के। पीछे देख सकते हो आप यहाँ की पहाड़ियाँ, एकदम सुंदर नज़ारे। तो अब ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं ये पता नहीं है, और यहाँ पे बिल्कुल खाई है, ये नीचे एकदम आइए देख सकते हो आप, जैसे बिल्कुल यहाँ पे चलने के लिए तो बिल्कुल नहीं हो रही है। जो पत्ते हैं हमें हमेशा हाई अल्टीट्यूड में मिलते हैं। तो ये रास्ता भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसमें रेत है, तो कहीं फिसल गया पाँव तो सीधा डट में पहुँचेगा नीचे। यात्रियों की तादाद है जो वापस जाने की, वो बिल्कुल कम है, और ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं।
आंटी को उनकी टेंशन है, जो इधर से ऊपर जा रहे हैं उनकी टेंशन है कि वो कहाँ रुकेंगे। बोल रही हूँ कहाँ रुकेंगे इतने, वो जो जेंट्स है वो आगे बाहर बैठेंगे, लेडीज अंदर जाएंगी। तो मौसम ने काफ़ी साथ दिया हमारा, कल कोपेड़ा की स्टार्टिंग में बारिश लगी थी बट अभी कल से बहुत अच्छा है मौसम। और अभी लग गई है छतरगल के, छतरगला की लास्ट वाली उतराई, ये देख सकते हो आप पत्थर चटाने, छोटे छोटे घोड़ ते पत्थर ते ये क्या बोलते हैं इसको, कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं, ना ना इसको शुंगल, शुंगल है ये, और ये खरशू है, ये सराजी में इसको खरशू बोला जाता है, भद्रवाही में इसको केड़ बोला जाता है, पता नहीं। तो काफ़ी सुंदर है, यात्रु भी नीचे के लिए जा रहे हैं काफ़ी हाई स्पीड में। पांचवा गियर लगा दिया, हनुमान गियर लगा दिया और स्पीड ऐसी पकड़ी है, पत्थरों को नहीं मान रहे हैं, और कहीं झटका लग गया तो कैमरा कुमरे डड में पहुँच जाने। थोड़ा एंड वाला है ये, एंड वाली उतराई है, तो हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं कहीं बारिश ना लग जाए, तो क्योंकि इन पहाड़ों पे कोई पता नहीं होता कब बारिश लग जाए। और ये छतरगला का थोड़ा सा ऊपर आके ये व्यू देखने को मिलता है आपको, क्या नज़ारा है। और पार पहाड़ अगर बादल ना छाए हों तो पहाड़ इतने ज़बरदस्त दिखते हैं, बोलो ही मत। सब यहाँ पर सेल्फियाँ ले रहे हैं, नेटवर्क बड़ा है एच, हाँ आगे पूरा है। दोस्तों ये देखो पहाड़ दिख रहे हैं और नीचे आ रही है सड़क, ये जो सड़क है अभी हमने यहाँ तक ही जाना है हमारा, ये लास्ट मोड़ है, लास्ट उतराई है, इसके बाद सीधा। और ये छतरगला में स्टार्टिंग में बस स्टैंड के साथ ही है।